नमस्कार। नमस्ते जी, कौन बोल रहे हैं? नमस्कार आदरणीय प्रधानमंत्री साहब, मैं विपुल गोंडलिया अमरेली जिले के अमरेली तालुका के बाबापुर गांव के बूथ नंबर 269 का पन्ना प्रमुख, पेज 13वां जो पन्ना है उसका पेज कमेटी का सदस्य बोल रहा हूँ। बाबापुर से हैं? हाँ जी सर, बाबापुर से है। अच्छा, विपुल भाई, हाँ जी सर। अमरेली में, हाँ सर। क्योंकि वह बाबापुर है तो कोई अमरेली दूर नहीं है, तो आपका जाना आना होता ही होगा। ये जो हाँ सर। हमने 15 से 18 साल के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन शुरू किया, ये हाँ बच्चों में सर। उत्साह कैसा है वैक्सीनेशन का? सर बच्चों में बहुत ज्यादा उत्साह है, सभी स्कूलों में बच्चे इसमें चढ़ बढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। और सर मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, जी आपने इतिहास के उन महापुरुषों का सम्मान दिया जिनका सम्मान आजादी के इतने दशकों के बाद भी नहीं हुआ था सर। वो इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष जी की जो डिजिटल वाली प्रतिमा है सर, उसका कार्यक्रम मैंने पूरा देखा, बहुत खुशी हुई सर, मुझे बहुत गर्व हुआ सर। और मुझे याद है सर, जब यहाँ विधानसभा के चुनाव गए थे तो कांग्रेस को सरदार साहब की फोटो की अचानक याद आ गई, फिर वापिस सर वो भूल गए सब कुछ। मुझे तो इस बात का अफसोस है सर कि कांग्रेस का कोई बड़ा, आज तक कांग्रेस का कोई बड़ा नेता कवड़िया कॉलोनी के जो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी सर आपने जो इतना बढ़िया बनाया, वह देखने तक नहीं गया सर। देखिए विपुल भाई, हम भारतीय जनता पार्टी की चिंता करें, हम गुजरात के नागरिकों की चिंता करें, हम हमारे देश के महापुरुषों की चिंता करें, और जो भी अच्छा है उसको लेकर के हम आगे चले। हमें लोगों के दिल जीतते रहना है, लोगों के सुख दुख की चिंता करते रहना है, और हाँ अमरेली सर, तो ठीक उत्साही लोगों की धरती है। अभी तो हमारे दिलीप भाई इपको के चेयरमैन बन गए हैं, हाँ तो सर। अमरेली जिला के लोगों को मैं बधाई देता हूं। पुरुषोत्तम भाई रूपाला मेरी सरकार में बहुत महत्वपूर्ण काम संभाल रहे हैं, तो अमरेली ने तो बहुत बड़ा जिम्मा भी उठाया हुआ है, जी सर। और ये तो अमरेलिया ने, हमारे उत्साही लोगों की धरती अमरेलिया हाँ सर। ने, कवियों की धरती, कवि हाँ सर। कलापी के बाद भी मैंने देखा है कि लगातार अमरेली से कुछ न कुछ कवि निकलते ही रहते हैं। हाँ सर, रमेश पारेख जी। हाँ सर। अच्छा, जो कनेक्टिविटी का काम हुआ है उससे लोग खुश हैं क्या? सर यहाँ के लोग, अमरेली के लोग सर यहाँ पर जो है वो आप पर पूरा स्नेह बरसाते हैं सर, और बहुत लोग यहाँ के लोग पूरे खुश है आपसे, बहुत खुश है सर। यहाँ पर बाकी पार्टियों के जो लोग हैं ना सर, वो सिर्फ वोट मांगने आते हैं, पर यहाँ के लोगों की असली फिक्र हमारी सरकार कर रही है सर। यहाँ पर रेलवे लाइन का जो ब्रॉडगेज में जो बदलने की दशकों से हमारी सर मांग थी, जब आप 2014 में प्रधानमंत्री बने और दिल्ली गए तब ये पूरी हुई सर। बाकी तो सर यहाँ पे कोई ब्रॉडगेज का काम भी नहीं हुआ था। अब महुआ बांद्रा स्टेशन पर, महुआ बांद्रा जो ट्रेन है सर वो लिलिया स्टेशन पर भी रुकने लगी है सर। और जो रेल फाटक होती है सर, जो यहाँ के फाटक है वो, उसकी मांग भी पूरी हो गई है, जिससे ट्रैफिक की सारी किल्लतें रहती थी, ट्रैफिक जाम होता था, वो कम हुई है सर। और अमरेली से सर गुजरने वाले चार चार नेशनल हाईवे वो मंजूर हो गए, उसका काम भी जल्दी से हो रहा है सर। मुझे बहुत अच्छा लगा विपुल भाई कि आपका पूरा ध्यान डेवलपमेंट पर है। इतनी चीजें आप याद कर कर करके बोल रहे थे, मेरे लिए हाँ सर। भी मुझे अच्छा लगा ये सब सुन करके। और मैं चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता आप विपुल भाई की तरह हर छोटी मोटी जो विकास के काम हो रहे हैं, जो प्रगति हो रही है, उस पर उनकी नजर रखे, उसको ध्यान रखे, बार बार बोले। अब जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना है, गरीबों को घर मिल रहे हैं, आपके अमरेली जिले में तो मेरे सुझाव पर डेयरी के लोगों ने जो शहद का काम शुरू किया है, मधु का, हाँ अपने सर। मध का, हनी हाँ का, सर। वो कितना बड़ा तेजी से आज अमरेली जिले में बढ़ रहा है। यानी जब भी आपने एक बात को मान लिया और जिस प्रकार से आप लग पड़े हैं, मैं तो सचमुच में कहता हूं कि विकास, लोगों, प्रगति का काम,
इन सारी चीजों पर हम जितना ध्यान देंगे उतना लाभ होगा। मेरी तरफ से आपको बहुत शुभकामना है, सभी अमरेली वासियों को मेरा नमस्कार कह देना भैया। बहुत धन्यवाद जी, खूब खूब धन्यवाद सर।